प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। के वचन के अध्ययन के लिए दूसरा योहन्ना, पहला योहन्ना दूसरा अध्याय खोल लीजिए। पहला योहन्ना दूसरा अध्याय, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम देखेंगे। पहला योहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो आज जो मुख्य बात प्रभु के वचन से मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पा लिया है, उस व्यक्ति के लिए संसार से प्रेम पूरी तरह से वर्जित है। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, इसका मतलब ये है क्या कि मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ, जिस कारखाने में काम करता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, वहाँ लोगों से बैर रखूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन में संसार शब्द का उपयोग कई प्रकार से हुआ है, जिसमें यहाँ एक विशेष तरीके से हुआ है, जिसका मतलब यहाँ संसार का जो उपयोग हुआ है वो उस फिलॉसफी से है जो प्रभु के विरोधी शैतान ने इस संसार में फैला रखा है। आप पूछेंगे कि उस फिलॉसफी के बारे में कुछ विस्तार से बता सकेंगे क्या? जी हाँ, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय अभी हम खोलेंगे नहीं, लेकिन नोट कर लें और समय मिलने पर उसको जरा पढ़ लें। नीति वचन 3 अध्याय में संसार का विपरीत क्या है ये बताया गया है। उदाहरण के लिए, तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु सब कुछ सही कर देंगे। संसार कहता है तुम अपनी समझ का सहारा लेना। तो जीवन की जो भी जरूरतें हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, संसार कहता है कि तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो। प्रभु का वचन कहता है तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। तो वो जो स्टेटमेंट है, तुम अपनी बुद्धि का सहारा लो, इस तरह के बहुत सारे सोच विचारने के जो तरीके हैं, उसके कलेक्शन को संसार कहा जाता है। हिंदी में अपन कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो। प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसको दिखा दो। तो ईंट का जवाब पत्थर, ये संसार की सोच है। लेकिन यदि कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी दिखा दो, ये परमेश्वर के वचन की सोच है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो संसार हमको सिखाता है। तो ये जो फिलॉसफी है, दुनिया की फिलॉसफी, ईंट का जवाब पत्थर से, अपनी समझ से काम लेना, जीवन में घमंड जरूरी है,
घमंड से काम लो, अपने दुश्मनों को जो है किसी भी तरह से दबाने की कोशिश करो, लालच, ईर्ष्या, इस तरह की चीजों का या इस तरह के सोच का जो कलेक्शन है उसको प्रभु का वचन यहां पर संसार कहता है। उसके अलावा जो लोग इस तरह की फिलॉसफी के अनुसार चलते हैं उनको प्रभु का वचन संसार कहता है। और प्रभु के बच्चों के लिए जरूरी है कि वे लोग जो प्रभु का वचन कहता है ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से, तो लोग अपना लोभ दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए, ईर्ष्या दिखाने के लिए जो कार्य करते हैं उन कार्यों से हम में से कभी भी किसी को प्रेम नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है संसार और संसार में की चीजों से प्रेम मत रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनसे हम बैर करें, नहीं, बल्कि इस संसार के नियंत्रण के लिए शैतान ने काफी बड़ी फिलॉसफी बना रखी है, उस फिलॉसफी से हमको प्रेम नहीं करना है। और उस फिलॉसफी के पीछे जो लोग भागते हैं ऐसे लोग हमारे अंतरंग मित्र नहीं बनने पाए, ये प्रभु का वचन कहता है। भजन संहिता पहला अध्याय 1 और 2 पद जरा नोट कर लें, अभी हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि मैं उसे मुंहजबान ही आपको बताऊंगा। भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 पद, वहां हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, मतलब दुष्टों का जो तौर तरीका उस पर नहीं चलता है, पापियों की मंडली में नहीं बैठता है और उपहासियों के रास्ते में खड़ा नहीं होता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों की मंडली में नहीं बैठता, उपहासी जो दूसरों का उपहास करते हैं ऐसे लोगों की मंडली में खड़ा नहीं होता। जानते हैं क्यों? पापी तो शैतान की फिलॉसफी पर चल ही रहे हैं। दुष्ट की युक्ति, दुष्ट तो शैतान के हिसाब से युक्ति बताएगा, पापी शैतान की फिलॉसफी पर चलते हैं। शैतान की युक्ति हमको बताए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं सुनना है। पापियों के रास्ते में यदि हम खड़े होते हैं तो वो लोग जो करते हैं उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। उपहासियों की मंडली में नहीं बैठना है इसलिए कि यदि उपहासियों की मंडली में हम बैठेंगे तो धीरे 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 उसका असर हमारे सोचने समझने के ऊपर होने लगता है। मैंने वो कहावत इसके पहले भी आपको बताया था, रसुरी आवत जावत है पड़े सिल पर निशान, गाँव में कुओं पर जहाँ पत्थर का बीम होता है वहाँ रस्सी बार बार नीचे को करते हैं, भरी बाल्टी के साथ रस्सी को खींचते हैं तो जिस हिस्से पर रस्सी स्पर्श करती है उस हिस्से पर पत्थर, और याद रखें बीम के लिए कड़े से कड़ा पत्थर रखा जाता है, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। रस्सी बड़ी सॉफ्ट होती है, एक चाकू लेके काट लो रस्सी कट जाती है, पत्थर नहीं कटता है। पत्थर को आप चाकू से नहीं काट सकते, कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सकते, पत्थर काटने के लिए छेनी और हथौड़े की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस पत्थर को काटने के लिए छेनी या हथौड़े की जरूरत पड़ती है उस पत्थर को सॉफ्ट नम रस्सी काट देती है। कैसे? बार बार आने जाने से, रसुरी आवत जावत है, रस्सी आती है जाती है धीरे धीरे उस पत्थर को काट देती है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यदि उपहासियों की मंडली में खड़े हों, उपहासियों की मंडली में बैठें
पापियों के रास्ते पर खड़े और दुष्टों की युक्ति को सुने तो धीरे धीरे हमारा मन बदलने लगता है। एक दिन में नहीं बदलता है, एक महीने में नहीं बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। और एक 6 महीने के बाद जब हमको पता चलता है कि हमारा मन बदल रहा है, तब तक काफी कुछ बदल चुका होता है। इसलिए प्रभु का वचन बहुत ही दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कहता है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में की वस्तुएं क्या है? ऐसी बहुत सारी चीजें इस संसार में हैं जिसको इवन दुनिया के लोग गलत मानते हैं। ग्वालियर जो कि मेरा शहर है, वहां पर कई मंदिर हैं जिसके बगल में प्याऊ लगे हुए हैं। और बचपन में जब आज के समान बोतलें, थर्मस वगैरह नहीं होते थे, आजकल तो बच्चे पानी की बोतल में लेके जाते हैं, हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं होती थी। और मैं घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्कूल में पैदल जाता था, कभी कभी बस से जाता था लेकिन कभी कभी पैदल भी जाता था। मध्य प्रदेश की कठोर गर्मी, इसलिए स्कूल से घर पहुंचते पहुंचते 2 या 3 प्याऊ से पानी पीना जरूरी हो जाता था। इनमें से हर प्याऊ के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता था, जिसमें से एक जगह ये लिखा था कि यदि तुम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब से परहेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि तुम जानवरों से भी बदतर हो, जानवरों से भी नीचे हो। दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं, और जबकि दुनिया की चीजें क्या है जो मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है या जो मनुष्य के लिए उचित नहीं है। एक और प्याऊ के ऊपर लिखा हुआ था कि मनुष्य हो तो ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, दूसरों के साथ अनावश्यक प्रतियोगिता मत करो, दूसरों के प्रति मन में हिंसा मत रखो। संसार में की वस्तुएं क्या है इसको संसार के लोग जानते हैं, और हमको उससे ये सीखना चाहिए जो प्रभु का वचन कहता है कि ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। तो संसार में की वस्तुएं बहुत सारी हो सकती, मैंने तो 2-4 बता दिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकती है जो संसार में की वस्तुएं हों। जो लोग दफ्तर में काम करते हैं वे लोग जानते हैं, कई लोग सिर्फ घूस लेकर दूसरों का काम करते हैं, क्या है ये? संसार में की वस्तुएं हैं। कई लोग हैं जो काम करते समय जिस दुकान में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस स्टोर हाउस में काम करते हैं, वहां से चीजें घर ले जाकर बेच देते हैं या अपने स्वयं के उपयोग के लिए ले लेते हैं, ये क्या है? संसार में की वस्तुएं हैं। प्रभु का वचन ये कहता है कि ना तो संसार से प्रेम करो, मतलब शैतान का वो जो फिलोसफिकल सिस्टम है उससे प्रेम मत करो, और संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना करो। आज संध्या समय हम में से हर व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है, हमें जरा अपने आप को जांच कर देखना चाहिए कि मनसा वाच्या कर्मणा संसार हमारे जीवन में प्रवेश तो नहीं कर रहा। मैं अक्सर नौजवानों से बात करता हूं, आधुनिक नौजवान, बातचीत के बीचों बीच उनके मुंह से गाली निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही निकलने लगती है वैसे ही वो रोक देते हैं, समझ जाते हैं कि शास्त्री सर जो है वो मूर्ख नहीं है, वो समझ गए थे कि मैं क्या बोलने वाला था, इसलिए माफ कीजिए कहकर फिर उस गाली के बिना आगे बोलते हैं, काहे को माफी मांगते हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि अश्लील बातें बोलना, जो चीजें शुद्ध नहीं है,
ऐसी वाणी हमारे मुंह में लाना ये संसार की चीजों से प्रेम है, और संसार की चीजों से जो प्रेम है वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आज शाम को मैं आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, आपने प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है क्या? यहाँ आज संध्या को जो लोग बैठे हुए हैं इनमें बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है। इन सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम कह सकते हैं कि मैं मनसा वाच्या कर्मणा संसार और संसार की चीजों से प्रेम नहीं करता? बहुत मुश्किल काम है। जाने या अनजाने हम में से हर व्यक्ति छोटी या बड़ी चीजों से प्रेम करता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि ऐसा करो तो क्या है, आगे के वाक्य में है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, कुछ दिन के बाद वो अपने पिता को पहचानने लगता है, माँ के प्रति प्यार बढ़ता है, पिता के प्रति प्यार बढ़ता है। माँ जब कहती है नहीं तो वो समझ जाता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, पिता जब कहते हैं नहीं तो वो जान पहचान जाता है कि ये कार्य नहीं करना है। इसलिए कि माँ बाप उससे प्रेम करते हैं और वह माँ बाप से प्रेम करता है। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में जब हम शाश्वत जीवन पा लेते हैं तो आत्मिक जीवन में शिशु हैं, बच्चे हैं, और आत्मिक जीवन में शिशु होने के कारण पिता परमेश्वर का प्रेम हमको मिलता है। धीरे धीरे हम पिता को, प्रभु यीशु को पहचानने लगते हैं और प्रभु के प्रति हमारे मन में प्रेम आ जाता है। लेकिन ये प्रभु का वचन कहता है कि जब संसार की चीजों से प्रेम आ जाता है तो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहता या प्रभु के प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता है। आप ऐसा कोई टॉर्च बता सकते हैं क्या जिसको लेके एक अंधेरे कमरे में जाएं तो आधे कमरे में अंधेरा रहे आधे में रोशनी हो जाए? ऐसा कोई टॉर्च है क्या दुनिया में? नहीं, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता, और जहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है तो अंधकार इसलिए है कि वहां प्रकाश की कोई किरण नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे कमरे में प्रकाश हो आधे में अंधेरा हो, ऐसा नहीं है। एक कमरे में आप टॉर्च जला देंगे तो सारे कमरे में रोशनी हो जाएगी। ये बात अलग है कि टॉर्च जहां को पॉइंट करते हैं वहां ज्यादा रोशनी होगी, लेकिन बाकी जगह पर भी रोशनी होगी। दिया जलाएंगे तो दिए की रोशनी को पॉइंट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी रोशनी सब जगह फैलेगी। ऐसा कोई दिया दुनिया में नहीं है कि आप जला दो आधे कमरे में अंधेरा हो जाए आधे में रोशनी हो जाए। उसी तरह से परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, संसार की चीजों के प्रति जो प्रेम है, ये दोनों एक साथ हमारे मन में नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि देखो मेरे प्रिय बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक व्यक्ति के दिल में नहीं रह सकते। इसलिए तुम में से हर व्यक्ति अपने आप को जांचो कि उसके मन में संसार और संसार की चीजों के प्रति प्रेम है क्या। थोड़ा बहुत तो होगा, इसलिए कि हम संसार में रह रहे हैं और हम धीरे 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 मैच्योर परिपक्व होते हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में संसार का प्रेम इतना ज़्यादा है, इतने जोर से है और इतना अधिक है कि वो हमारी आत्मिक आँखों को अंधा कर रहा है,
तो उसका मतलब है कि प्रभु के प्रति हमारा प्रेम, जब हम आत्मिक जीवन में चल रहे थे तो रास्ते में प्रभु के प्रति हमारा जो प्रेम था वो कहीं हमने खो दिया है। हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हाथ से कभी कुछ नहीं खोया है? हम में से हर व्यक्ति के हाथ से चीजें खो जाती हैं, चाबी खो जाती है, किताबें खो जाती है। केरल में सबसे ज्यादा जो खो जाता है वो है छाता। छाता चर्च को लाए, वहां रख के भूल गए। तो हम जानते हैं कि खो जाना मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में जब हम खुशी खुशी चल रहे हैं, उत्साह के साथ चल रहे हैं, तब कई बार दुष्टों की युक्ति पर चलने के कारण, पापियों के मार्ग में खड़े होने के कारण, उपहास करने वाले लोगों के बीच में बैठने के कारण, हमारे मन में प्रभु के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे खोने लगता है। और एक समय आता है जब वो हम पूरी तरह से खो देते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है, प्रभु के प्रति प्रेम संसार के प्रति प्रेम के साथ साथ नहीं रह सकता है। इसलिए आज संध्या मैं आप में से हर व्यक्ति से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने आप को जांचें। प्रभु, आज संध्या के समय संसार की चीजें क्या है इसके बारे में हमने सुना, हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए, हमारे जीवन में किसी गंदे या अशुद्ध बात के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में किसी गलत बात के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए जो अशुद्ध बातों से प्रेम करते हैं और जो अशुद्ध बातों की प्रशंसा करते हैं। इसमें से हर बात हमको धीरे धीरे अपने आप को विश्लेषण करना जरूरी है, और यदि हमको पता चलता है कि हमारे दिल में ऐसी चीजें प्रवेश कर चुकी हैं तो तुरंत प्रभु से क्षमा मांग लेना चाहिए। मैंने इसी पुस्तक के पहले अध्याय के 9वें पद में आपको पढ़कर सुनाया था, पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अशुद्धियों से, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो जब हम अपने मन को जांचते हैं तब यदि हमारे मन में पता चलता है कि कोई अशुद्धि, कोई पाप प्रवेश कर गया है तो उसको हम मान लें तो प्रभु ना केवल क्षमा कर देते हैं, इन पापों के कारण हमारे जीवन में कोई अशुद्धि या अधर्म आ गया है तो उसको भी क्षमा कर देते हैं। याद रखें, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आगे हम देखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको आज हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। 16वां पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये क्या है? प्रभु मदद करेंगे तो अगले हफ्ते अपन डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि ये चीजें पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार की ओर से हैं। तो हमारे जीवन में इस तरह की बातें आ सकती हैं या आ जाती हैं जो कि उचित नहीं है, जो पिता की तरफ से नहीं है। मेरे एक मित्र, एक अच्छे डॉक्टर, ग्वालियर में हमारे घर के पास एक मेडिकल शॉप चलाते थे, साथ में दवा भी देते थे, बहुत सज्जन व्यक्ति। एक बार मैं
अक्सर मैं रात को ही जाता था, घर के पास था, तो रात को 10 बजे पहुंचो तो डॉक साहब बिल्कुल खाली मिलते थे। फुर्सत से बातचीत वगैरह करके मैं घर वापस आता था। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तब तक डॉक्टर हो चुका था, मेडिकल मेडिसिन में नहीं, डिग्री के कारण, तो वो मुझे भी डॉक्टर कह के संबोधित करते थे। वो बोले, डॉक्टर साहब एक नाटक हो गया है। मैंने पूछा, क्या बात है? वो, ऐसा हुआ मेरे बेटे को छुट्टी में मैंने अपने भाई के घर भेज दिया, 2 महीने उनके साथ रहा। इस 2 महीने के बाद जब वो वापस आया तो बात बात पे गाली देने लगा है। अच्छा, मैंने पूछा कैसी गाली? तो वो बोले, अंग्रेजी में गाली देता है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आपका बेटा जिन बच्चों के साथ 2 महीने रहा, उसके कजिन्स, वे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते होंगे, और इसलिए जब वे बात करते हैं तो बात बात में गाली का उपयोग करते हैं, और इसने उसको देखकर फैशन के रूप में उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपका बेटा हिंदी मीडियम में पढ़ा है इसलिए उसका मतलब नहीं जानता है। तो मैंने कहा, मैं छोटी सी दवाई आपको बता देता हूँ, इस दवाई से वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हो गए। मैंने कहा कि अपने बेटे से कहना कि बेटा जी, बातचीत के समय तुम कुछ वाक्यों का उपयोग बार बार करते हो, उन वाक्यों को जरा एक पेपर पर लिख दो। उसको नहीं मालूम था कि इनका मतलब क्या है, उसने लिख दिया। उसके बाद मेरे कहने के अनुसार उसके पिताजी ने एक अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी उसको दे दी और कहा कि अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी को देखकर उन वाक्यों का मतलब हिंदी में जरा लिख दो। अब वो लड़का डिक्शनरी में जाके उसने अंग्रेजी का हिंदी मतलब देखा तो उसका सर चकरा गया, क्योंकि पहली बार उसको पता चला कि ये तो गाली है, चुनी चुनी गंदी गालियां हैं। उसने लिखा क्या? नहीं लिखा। वो डिक्शनरी देख के इतना शर्मिंदा हो गया, ना तो उसने लिखा ना उसके बाद इन वाक्यों का प्रयोग किया। प्रभु की दया है कि उस लड़के को इन वाक्यों की आदत पड़ जाए। उसके पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस तरह की समस्या है। क्यों हुआ संगति? क्यों हुआ? 2 महीने उनके साथ रहा, इसलिए वो लोग जो बोलते थे उसको सुनकर बिना समझे उसको रिपीट करता था। क्यों? अंग्रेजी मीडियम के पढ़े लड़के हैं इसलिए वो जो बोलते होंगे सही बोलते होंगे, ये सोच के उसने भी उन वाक्यों का प्रयोग शुरू कर दिया। प्रभु का वचन याद दिलाता है, जो चीजें संसार की हैं वे पिता की ओर से नहीं है। इवन गैर मसीही लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो हमारे मुंह से आना उचित नहीं है, जिनका हमारे मन में आना उचित नहीं है, जिनका हमारे मन में राज्य करना उचित नहीं है। आज शाम को जितने लोग यहां आए हैं उन सब से मैं पूछना चाहता हूं, मनसा वाचा कर्मणा हम पूरी तरह से शुद्ध हैं क्या, या संसार के प्रति थोड़ा सा झुकाव, संसार के प्रति थोड़ा सा प्रेम, संसार का के प्रति थोड़ा सा मोह कहीं ऐसा तो नहीं है? आपने बच्चों को देखा है क्या जो कई बार खेलने के मूड में आ जाते हैं और यह चक्कर लगाते हैं, एक ही जगह खड़े होकर चक्कर लगाते हैं, देखा है क्या? जरूर देखा होगा और अपने बचपन में करके भी देखा होगा। चक्कर लगाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा चक्कर लगाने के बाद क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है, बच्चा गिर पड़ता है। संसार में की बातों के प्रति शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रेम होता है, लेकिन उसका अंत गिर जाना है। इसलिए हम में से हर व्यक्ति अपने आप को जांचे, अपने जीवन को जांचे।
कि हम कहाँ हैं, हमारा मन कितना शुद्ध है। प्रभु ने मदद की तो हम आगे अगले हफ्ते देखेंगे। मेरे स्वास्थ्य के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। आप सब जानते हैं कि मैं कमजोर व्यक्ति हूँ और स्वास्थ्य कभी भी गड़बड़ा सकता है। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।